आज के वीडियो में हम एआई से पूछेंगे कि फ्री फायर में सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा है, और वही कैरेक्टर यूज करके हम सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले करेंगे। देखते एआई सही जवाब दे पाएगा या नहीं। मैं चैट जीपीटी ओपन करके एआई से पूछ रहा हूँ फ्री फायर का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, और एआई ने आंसर दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इट्स मी जेमडी चामलिंग राय, और आप लोग देख रहे हैं जेमडी वाईटी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में थोड़ा डिफरेंट कंटेंट ट्राई कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने एआई के बारे में सुना होगा। अगर आपको एआई का फुल फॉर्म मालूम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एआई ने मुझे जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिया था, मैं वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके गेम प्ले कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर कौन सा है मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। ठीक है, समझ गया। रिफाइनरी में बहुत सारे एनिमी ने लैंड किया था और आगे फायरिंग का साउंड आ रहा है। ये हुकुम बन के बैठ रहा था, इसे मैंने कर दिया है नॉक। और एक सामने देख सकते हो बंदा अभी उतरा था, उसे भी कर दिया है नॉक। दूसरा भी उतर रहा है, और इधर ही सामने एक बंदा आ गया। अबे भाई साहब ये ले, इसे भी मैंने कर दिया है नॉक। और जो दूसरा लैंड कर रहा था इसको भी मैंने दे दिया है हेडशॉट, और ये सारे नॉक हो गए। इसी के साथ मैंने पहला किल निकाल लिया। अभी थोड़ा लूट वूट करते हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा लूट नहीं है। थोड़ा सा लूट करके सीधा फाइट करने चला आ गया, और जो मैंने हवा में बंदे मारे ना वो बहुत सही था यार, कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रोन में इधर एक भी बंदा नहीं दिखा रहा है, शायद से सारे बंदे खत्म हो गया और मुझे मिल गया है बहुत सही लूट। चलो चलते हैं कमांड पोस्ट। कमांड पोस्ट पहुंचते ही मुझे दिख गया एक बंदा, मैं फायरिंग कर रहा था पर उसे डैमेज नहीं लग रहा था। शायद से वो इनटू द पास में जाके ग्लाइडर से रिटर्न आया था, उसके पास बहुत सही लूट होगा। और मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उसने ही मुझे खतरनाक डैमेज दे दिया। मैं ग्लोवाल की कबर में बैठ के मेडिकेट कर रहा था और वो निकलने की कोशिश, उसे थोड़ा मैंने डैमेज दे दिया। अरे भाई साहब पीछे से शायद एक स्क्वाडी आ रहा है, थोड़ा कब्र में बैठना पड़ेगा। अबे वो कहाँ से आ गया, डायरेक्ट टावर में आ गया यार। और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसे मैं एम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सामने आ गया। ये ले 123 का हेडशॉट तो दिया था, पर उसके बाद बॉडी शॉट लगा और वो हो गया है नॉक। सबसे पहले मेडिकेट करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे बंदा ड्रोन में दिखाई दे रहा था। चलो उसे फिनिश कर देते, और मैं भी इधर से निकलता हूँ कमांड पोस्ट के तरफ। देख सकते हो कमांड पोस्ट पे भी फायरिंग का साउंड आ रहा है। ज्यादा देर इधर रहना सही नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। चलो कमांड पोस्ट पे हम भी फाइट करते हैं। शायद कमांड पोस्ट से एक बंदा इधर ही आ रहा है, चलो उसे डैमेज देते, और हेडशॉट के साथ उसे मैंने कर दिया है फिनिश्ड। और एक बात बताना भूल गया, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले कर रहा हूँ, और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने एआई से लिया है। और दूसरा बंदा का भी फुटस्टेप आ रहा है और वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये ले, इसे भी मैंने कर दिया है नॉक, और इसे फिनिश करते चाकू से। ओके अबे खत्म नहीं हुआ। ये ले, इसे भी मैंने कर दिया है फिनिश्ड। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। एआई के बारे में हम सभी लोग ने एक बात तो सुनी है, इन फ्यूचर एआई हम सभी लोग का जॉब ले लेगा। इसलिए मैं एआई का मदद लेके फ्री फायर का बेस्ट कैरेक्टर यूज करके गेम प्ले कर रहा हूँ, और अभी तक मेरा हो गया है 7 किल। और मैंने हंट किया था पर बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, शायद से वो यही डोर पे होगा। और दिख गए, ये ले, वन टैप के साथ मैंने इसे कर दिया है फिनिश। और आप लोग को क्या लगता है, क्या सच में एआई हम सभी लोग का फ्यूचर में जॉब ले लेगा? मैं एआई का कैरेक्टर यूज करके खेल रहा हूँ और गेम प्ले बहुत खतरनाक जा रहा है सच में। राजा जी ऊपर फायरिंग का साउंड आ रहा था, चलो हुकन का यूज करके ऊपर चले जाते हैं। और दिख गए मुझे बंदा पिलर के पीछे छुप के बैठ रहा था, इसे मैंने 321 का हेडशॉट दे दिया। और भी बहुत सारे बंदा इधर ही है, देख सकते हो मैंने हंट किया था, वो हंट वाला बंदा भी इधर ही दिखाई दे रहा है, शायद से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होगा। और ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसे मैंने 310 का वन टैप दे दिया है वुड पिकर से। दूसरा बंदा भी आ रहा है, चलो इसे भी कर दिया मैंने नॉक, और कैरेक्टर का यूज करके मैं दौड़ रहा हूँ। अबे किसी ने मेरा दोनों किल चोरी कर लिया। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कंजूसी किए बिना वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ऑफ कोर्स एक ही बार में तो नहीं बनता। ये वीडियो बनाने में मुझे 8 से 10 बार लगा, 2-3 बार तो मैं लैंड करते ही मर गया।
और दो तीन बार ज्यादा किल नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बन रहा था। सो प्लीज आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बंदा भाग रहा है, उसे मैंने थोड़े डैमेज तो दे दिया और दूसरा बंदा उकोंग बन के आगे बैठ रहा है। अबे खतरनाक डैमेज दे दिया भाई, मेरा एचपी देख सकते हो 250 का एचपी है, फिर भी उसने मुझे 70 पे छोड़ दिया। थोड़ा कवर लेके खेलना पड़ेगा नहीं तो मैं इधर ही मर जाऊंगा। अभी मुझे मेडिकेट करने की जरूरत है और वो बंदा शायद से क्लोवाल के पीछे मुझे वेट करके बैठ रहा है। चलो रस कर देते उसके ऊपर। और ये कहाँ गया, ये बंदा तो इधर नहीं, शायद से नीचे चला गया। चलो अभी मुझे भी जोन में जाने की जरूरत है और मेरे पास है हुक गन, हुक गन का यूज करके नीचे चला जाते हैं। और देख सकते हो नीचे बंदा फाइट कर रहा है, अभी एक बंदा तो एलिमिनेट हो गया और मैं नीचे जा रहा हूँ। शायद से बंदा होगा और राइट साइड में बंदा दिखाई दिया। अबे वन टैप के चक्कर में उसे डैमेज ही नहीं दे पाया, सिर्फ 46 का डैमेज लगा उसे। अभी ग्लोवाल डाल के बैठा है, शायद वो मेडिकेट कर रहा है। अबे यार हुकन का यूज करके आगे जाने की कोशिश कर रहा था, वॉल में अटक गया। अबे नीचे से आ गया ये बंदा, खेल तो सही रहा है, मैंने भी बहुत सारा डैमेज दे दिया उसे, उसने भी मुझे बहुत सारा डैमेज दे दिया और फाइनली ये हो गया नॉक। यार सच में ये बंदा बहुत सही गेम प्ले कर रहा था, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। फाइनली मैं आ चुका हूँ जोन में, एक बंदा गाड़ी में आ रहा है, डैमेज तो मैंने दे दिया उत्पीकर का बहुत सही, पर वो नॉक नहीं हुआ। चलो ग्रेनेड कुक करके उसे फिनिश करने की कोशिश करते, और ये गया ग्रेनेड, अरे बहुत सही उसे मैंने कर दिया है नॉक ग्रेनेड और उत्पीकर के कॉम्बिनेशन के साथ, और ये बंदा भी हो गया फिनिश्ड। मेरा हो गया है 11 किल, अभी जोन में जाने की जरूरत है। और फाइनल जोन में आके 1v4 का सिचुएशन हो गया है, देख सकते हो चारों बंदा मुझे रस करने की कोशिश कर रहा है। एक बंदा ड्रॉप के पास में आ गया और दूसरा बंदा शिप से आ रहा है देख सकते हो, और दो बंदा किधर है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और इसने मुझे ग्रेनेड फेंक के मारा यार, लॉन्चर हो गया शायद, और इसे मैंने दे दिया थोड़ा सा डैमेज। अबे यार दूसरा बंदा कवर देते जा रहा है यार, मेरा वॉल भी खत्म होने वाला है, और ये ले इसे मैंने कर दिया है नॉक, पर ये यूज कर रहा है डिमिट्री यार, और दूसरा बंदा आ गया है, शायद मैं इधर मर जाऊंगा यार, मेरा ग्लो वॉल भी फिनिश हो गया और इसे मैंने कर दिया है नॉक। क्या मैं बुया निकाल पाऊंगा? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है भाई, ऐसा सीन हो रहा है ना, चारों तरफ से पहले जा रहा है और एक बंदा इधर आ गया वुकोंग बन के, इसने मुझे कर दिया है फिनिश। सो क्या लगता है भाई लोग, एआई ने जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिया था वो यूजफुल था या नहीं, नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।